दिस डिस्कशन। मेघवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू, बोलिए भाई साहब। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीकानेर शहर राजस्थान में जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप? किस तरीके का आपको मतदान मिलेगा, किस तरह का समर्थन मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी का एक जो विजन है सबका साथ सबका विकास, क्या उसी को लेकर आप आत्मविश्वास रखते हैं कि जनता आपको ही चुनेगी? देखिए अभी 6 बजे मतदान समाप्त हुआ है, अभी जैसे आंकड़े आएंगे तो उसे पता चलेगा कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। दूसरा विषय है कि जो रुझान हमारे समझ में आ रहे थे जब हम मतदाताओं से बात कर रहे थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान ज़्यादा संख्या में हो रहा है। और रिजल्ट आने पे पता चलेगा कि बीकानेर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है जो आज हमारा दिन भर का आंकलन हुआ उसके आधार पर। और जो आपने पूछा मुद्दे क्या थे, बड़ा मुद्दा था भारत को विकसित भारत बनाना, और जो नरेंद्र मोदी जी की 112 योजनाएं जो धरातल पे उतरी वो भी बड़ा मुद्दा था, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस ये भी बड़े मुद्दे थे, और जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें भी जो हमने हर सेक्टर में डेवलपमेंट करने की बात कही थी वो भी जनता के बीच में गया। जनता ने समझा कि नरेंद्र मोदी जी ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश को विकसित भारत की ओर ले जा सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ठीक रहेगा, ऐसे मैं मानता हूँ कि जनता का मन था। सर पिछले चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी के खिलाफ आपका एक जो विक्ट्री का मार्जिन जो था वो लगभग 3 लाख वोट्स था, आपको लगता है आपकी लोकप्रियता देखते हुए इस बार ये आंकड़ा भी आप पार कर पाएंगे? 2 लाख, अरे मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूँ लेकिन पहले 2,64,000 था, मुझे लगता है कि हम इसको क्रॉस करेंगे। हाँ सर, आपने मुद्दों की बात की, जब मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा आपको क्या लगता है कि राजस्थान की जनता के जहन में क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है, कि उन मुद्दों का समाधान ढूंढेंगे आप? देखिए एक तो विकसित भारत का मुद्दा हम चुनाव के दौरान फील्ड में लेके गए, दूसरा डबल इंजन की सरकार, ये मुद्दा भी जनता के बीच में था। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है और सेंटर में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का होता है तो उसका लाभ जनता को होता है, ये मुद्दा भी फील्ड में था। सर अगर आप विपक्ष को देखें तो लगातार जो कटाक्ष किया जा रहा है वो बेरोजगारी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और नारी कल्याण को लेकर किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये वाजिब मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आपरताने कसता है? वो हमारा संकल्प पत्र पढ़ते रही है ना, हमने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे तो उसमें रोजगार के अवसर ही बढ़ेंगे, महंगाई को हमने नियंत्रण में रखा, वो हमें वो देखते ही नहीं है, अपने उनके पीरियड में महंगाई 10% से ऊपर गई थी, उसको तो वो देखते नहीं है। हमारे पिछले 10 सालों में महंगाई नियंत्रण में रही, रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी महंगाई नियंत्रण में रही, जनता तो जानती है लेकिन राहुल गांधी नहीं जानते, उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। सर 2004 से लेके 2019 तक ये जो कंस्टिट्यूएंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काबिज है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही है जिसको लेकर जनता ने आप पर बार बार पूर्ण विश्वास किया? इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो धरातल पे उतरी है, मैंने पहले जैसे जिक्र किया, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे हर घर नल से जल हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे हमारी उज्ज्वला हो, कोई योजना ले लें, हर योजना धरातल पे उतरी है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है।
सर, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ साथ पूरा एक जो भारतीय जनता पार्टी का एक ये जो मिशन रहा है, जो रणनीति रही है, वो दक्षिण भारत में भी काफ़ी गहराई तक गई है। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दौरा किया, लगातार दक्षिण भारत को ऊपर उठाने की कोशिश की अपनी संस्कृति को लेकर, उसकी वजह से नतीजे देखने को मिलेंगे 2019 में, जैसे मसलन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था? इस बार मैं मानता हूं तमिलनाडु में भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, केरल में भी हमारा खाता खुलेगा, प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और कर्नाटक भी हम बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश भी ठीक रहेगा, तेलंगाना भी ठीक रहेगा। दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा हम मानते हैं, और वो भी उसका कारण हमारी नीतियां हैं जो धरातल पे पहुंची है, और जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का शासन अच्छा है, वो देश को सुरक्षित रख रहे हैं, देश में जो आतंकवाद अलगाववाद था उसकी वो कमर तोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें उनको लगता है। जैसे सी पोर्ट है वहाँ उनका डेवलपमेंट हुआ है, मछुआरों की समस्याओं का हमने समाधान किया है, श्रीलंका की तरफ हमारे मछुआरे चले जाते थे लेकिन कांग्रेस के ज़माने में वो लंका में ही रहते थे, कैद भी सजा भी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में अगर कोई समुद्र लाइन क्रॉस कर लेता है तो भी वो छुड़वा के लाने में सक्षम है, ऐसे मछुआरे समाज के लोग भी ऐसा मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।